सुप्रभात बच्चों। बच्चों 7 तारीख मतलब शनिवार को, सैटरडे को पोयम कंपटीशन है। आप लोगों ने नोटिस पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। पोयम कंपटीशन है और ये कंपटीशन इसलिए रखी गई है ताकि आप लोगों का माइंड वर्क हो, आप लोगों की मेमोरी बढ़े, आप लोगों को जल्दी याद हो, आप लोग अपने दिमाग से लिख पाओ, आप अपने बुद्धि को तीव्र कर पाओ, इसलिए ये कंपटीशन रखी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, ठीक है। तो मुझे आज आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के नाम मेरे पास आ जाना चाहिए। आज आप मुझे अपने अपने नाम और कौन सी कविता आप लिखना चाहोगे, इसके ऊपर कुछ भी बॉदरेशन नहीं है, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कविता लिख सकते हैं। तो इसलिए आप आज मुझे कविता और उसके नाम भेज देंगे। कविता के नाम ना भी भेजो तो चलेगा, आप बाद में सोच के कोई सी भी कविता लिख सकते हैं, लेकिन नाम आज ही मुझे आप भेज दीजिए ताकि मैं आपके नाम पार्टिसिपेंट में लिख लूँ। काफ़ी बच्चों ने मुझे नाम दिए कल, लेकिन बहुत कम है वो, क्योंकि बच्चे तो बहुत है ना, ए के भी हैं, बी के भी हैं, तो मुझे और मतलब मुझे काफ़ी बच्चे ऐसे दिखते हैं जिनको पार्टिसिपेंट करना चाहिए पर नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। इसलिए आप सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेंट कीजिए, ठीक है। तो आज मैं वेट करूँगी आपके नाम का, जो भी बच्चे पार्टिसिपेंट करेंगे वो मुझे आज नाम लिखवा देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, मैं रूल्स बता देती हूँ आपको। 12 बजे शनिवार को लिंक ज्वाइन करनी रहेगी आपको, आपको हमारे सामने ही कविता लिखनी है। कविता आप अपनी बुद्धि द्वारा बनाएंगे फिर लिखेंगे, मतलब आप कहीं से भी देखकर याद करके कविता नहीं लिखेंगे, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प नहीं करेंगे, आप अपनी बुद्धि द्वारा कविता को बनाओगे। इसलिए मैंने कहा ना कि बुद्धि तेज़ करने के लिए, माइंड डेवलप करने के लिए ये कंपटीशन है, ठीक है। जैसे भी आती है आप बनाइए और पार्टिसिपेंट कीजिए। 6 से 7 लाइन आपको कविता की, 6 से 7 लाइन, इतनी कविता तो बनानी ही है। तो आप सोच लीजिए पहले कि आप क्या कविता बनाओगे, किस प्रकार से बनाओगे, किस प्रकार से लिखोगे, उस कविता को किस प्रकार से गाओगे, ठीक है। कविता लिखने के नंबर है, कविता को आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, गाते हैं, उसके नंबर है, कविता की लाइन का कुछ मीनिंग भी निकलना चाहिए, है ना। इस प्रकार से आप कविता लिखेंगे, आपको जैसे भी आती है लिखिए, इसमें डरने की, संकोच करने की कोई बात नहीं है। आप कविता में इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, मैं तो इसको ही बहुत बड़ा ये मानती हूँ कि आप लोगों ने कविता में कंपटीशन में पार्टिसिपेंट किया, इसमें ही आपकी बहादुरी है। अगर आप कुछ ना करो और घर में बैठे रहो तो क्या किया आपने, क्योंकि स्कूल भी नहीं आना है, तो कम से कम पार्टिसिपेंट तो करेंगे ना। तो बच्चों आज मैं आपके नाम का वेट करूँगी कि आप मुझे आज नाम लिखवा देंगे, ठीक है। सभी बच्चे या फ़ोन लगाइए या मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दीजिए। काफ़ी बच्चों ने मैसेज किए भी, 5th के भी 4th के भी 3rd के भी, लेकिन मुझे और बच्चे चाहिए। मुझे पता है कि इसमें से आप में से और भी बच्चे ऐसे हैं जो इस कंपटीशन को अच्छे से कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। तो मैं आज आपका वेट करूँगी। और एक बात, मुझे पता है कि मैंने प्रोजेक्ट वर्क भी दिया है और उसकी लास्ट डेट भी आज की ही है, तो मैं उन बच्चों को छूट दूंगी जो बच्चे कंपटीशन में हैं। वो बच्चे मुझे आज की जगह आप दिवाली तक मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। दिवाली की छुट्टियां लगने से पहले आप मुझे प्रोजेक्ट दे सकते हैं, केवल वो बच्चे जो कंपटीशन में हैं, क्योंकि वो दूसरी तैयारी कर रहे हैं अभी, और जो बच्चे कंपटीशन में नहीं हैं वो मुझे आज ही भेजेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात आप मानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कंपटीशन में आएंगे, ठीक है।
मैं ये सोचती हूँ कि प्राइस क्या मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए कंपटीशन में ना आए। आप ये सोचे कि मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया, मैंने लिखा, यही मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंपटीशन में आए, ठीक है। और जो बच्चे कंपटीशन में आएंगे वो मुझे दिवाली से पहले, दिवाली की जो भी छुट्टियां लगेंगी उसके पहले प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे तो भी चलेगा। और जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको आज ही या कल तक मुझे सारे प्रोजेक्ट जमा कर देना है, ठीक है। ओके बेटा, अब हम अपने पढ़ाई की बात करेंगे। बच्चों कल हमने पार्ट 7 पढ़ा था, बहू और बिल्ली, ठीक है। अभी हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर में आपको व्हाट्सएप करूंगी, व्हाट्सएप पे से देखकर आप CW में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप कॉपी का एक पेज फोल्ड कर देंगे, कंटिन्यू कॉपी में ही लिखना है पर एक पेज फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर हेडिंग लिखेंगे सेकेंड टर्म और उसके बाद में आगे की कॉपी लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, डे, उसके बाद में पाठ का नंबर, पाठ का नाम, शब्दार्थ, ठीक है। पाठ 7 बहू और बिल्ली, उसके शब्दार्थ, उसके बाद में बताइए वाले प्रश्नोत्तर। बताइए वाले प्रश्नोत्तर मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी, उस पे से देख के लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे लिखित वाले प्रश्न, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी, उस पे से देख कर लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। ये प्रश्नों के उत्तर मैं आपको रीड करके समझा रही हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो, बाकी के तो छोटे छोटे हैं, आपको पढ़ के समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बताइए वाले प्रश्नों, सॉरी, कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए, ये वाले प्रश्नोत्तर हम अभी ओरल करेंगे। क नंबर देखिए, रूपा ने क्या सोचकर पिंजरे में दूध मलाई रखी और उसका क्या परिणाम हुआ। रूपा ने सोचा कि दूध मलाई के लालच में बिल्ली पिंजरे में फंस जाएगी, परंतु बिल्ली बहुत चालाक थी, वह पिंजरे में आई ही नहीं, ठीक है। अब ख नंबर देखिए, बहू बिल्ली को मारने के बाद सिर झुकाए क्यों खड़ी थी। बहू बिल्ली को मारने के बाद सर झुकाए इसलिए खड़ी थी क्योंकि उसे बिल्ली के मरने का दुख था। ग नंबर देखिए, पंडित जी ने बिल्ली की हत्या का क्या समाधान बताया और क्यों। इसका उत्तर है, पंडित जी ने बिल्ली के मरने के लिए पंडित जी ने समाधान के लिए 11 तोले सोने की बिल्ली का दान और पूजा करवाने की बात कही। इस प्रकार वे सेठानी के अंधविश्वास का लाभ, मतलब फायदा उठाना चाहते थे। घ नंबर देखिए, बिल्ली के उठकर भागने पर कौन कौन खुश हुआ और कौन दुखी, कारण सहित लिखिए। बिल्ली के उठकर भागने पर घर के सभी सदस्य खुश हुए क्योंकि उनके हजारों रुपए खर्च होने से बच गए। और कौन उदास हुआ, पंडित जी दुखी हुए क्योंकि हजारों रुपए की कमाई उनकी, मतलब हजारों रुपए कमाने का जो अवसर उनको मिल रहा था वह उनके हाथ से निकल गया, ठीक है। ये सभी प्रश्नोत्तर मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ, इसे देखकर CW कॉपी में लिखिए, ठीक है। और जल्दी से जल्दी मुझे अपने अपने नाम भेजिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।